आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू का जो आईडी कार्ड है उसे किस प्रकार से जो है आप डाउनलोड कर पाएंगे। बहुत से ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने अभी तक जो है अपना आईडी कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाया है और उनका कहना है कि मेरे पास जो है जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है मैं वो भूल चुका हूँ। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपका जो है एनरोलमेंट नंबर से आपका इग्नू का जो है आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए बताऊँगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास इग्नू का आईडी कार्ड अगर नहीं होगा तो आप जो है एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे और आपका जो है एग्जाम छूट सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि सिर्फ जो है एनरोलमेंट आईडी से एनरोलमेंट जो नंबर होता है सिर्फ उससे आप अपना जो है आईडी कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मैं अभी आ चुका हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहां आने के बाद सबसे पहले जो है हमें अपना गूगल क्रोम को ओपन करना होगा। आप चाहे तो इस चीज को इग्नू का जो आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप अपने फोन में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लैपटॉप में दिखाने वाला हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लैपटॉप या मोबाइल किसी में भी चला रहे हैं तो आपको जो है सिंपली गूगल क्रोम में आना है और जो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ आपको सेम आपको इस प्रकार से आपको सर्च करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पे जो यहाँ पे खुल के आई हुई पेज यहाँ पे इसी पे आपको जो है यहाँ पे क्लिक करना होगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले पेज तक आने के लिए लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप यहां पे आ जाएंगे। तो यहां आने के बाद सबसे पहले अगर आप यहां पे पहले कभी आए होंगे तो अगर आपने बनाया होगा यहां पे रजिस्ट्रेशन अपने करा होगा तो आपको जो है पासवर्ड रिसेट कर लेना है। लेकिन अगर आप पहली बार आ रहे हैं और अपना आईडी कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। लेकिन मैंने पहले यहाँ पे जो है न्यू रजिस्ट्रेशन अपना करा था तो मैं अपना पासवर्ड रिसेट करके दिखा दे रहा हूँ। बाद में मैं आपको रजिस्ट्रेशन करने के भी तरीका बता दूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे रीसेट पासवर्ड करता हूँ क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा है। अगर आपने कभी नहीं करा है तो आप डायरेक्ट न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे हो जाएगा सिंपली। मैं पहले रीसेट पासवर्ड करता हूँ, ठीक है। और यहाँ आने के बाद देखिए सबसे पहले आपको प्रोग्राम कोड जो है आपको सिलेक्ट करना होगा। आप जिस किसी भी प्रोग्राम कर रहे होंगे वहाँ इग्नू से आप जो है यहाँ से इस चीज को सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ बीएजी प्रोग्राम। और उसके बाद यहाँ पे जो है आपको एनरोलमेंट नंबर आपको डालना होगा। अभी बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनको अभी अपना उनको एनरोलमेंट नंबर नहीं पता है तो मैं आपको सिंपली बता देता हूं कि अगर आपका एनरोलमेंट नंबर नहीं है तो आप कहां से आप लाओगे। तो इसके लिए आपने जब भी अप्लाई करा होगा, आप जब एडमिशन लिए होंगे इग्नू में, तो आप जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने दिया होगा उस ईमेल आईडी को आपको ओपन करना है, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पे ईमेल आईडी ओपन करा हूँ और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा इग्नू। अपने सर्च बार में आने के बाद यहाँ पे सर्च करना होगा इग्नू। मैं आपको बता दूं वही ईमेल आईडी ओपन करना है जो आपने एडमिशन कराते समय दिया होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एक मैसेज आपको दिख रहा होगा कंफर्मेशन मेल, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जब वहां पे इग्नू लिख के आप सर्च करेंगे तो ये वाला आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जो है अपना एनरोलमेंट नंबर सबसे पहले निकाल लेंगे। मैं एनरोलमेंट नंबर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद फिर यहाँ से वापस इस वाले पेज पे आ जाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर हो गया। अगर आपके पास एनरोलमेंट नंबर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे ओके करेंगे। सबमिट पे ओके करते ही आपका जो मेल आईडी है और मोबाइल नंबर सेम ओटीपी दोनों पे जाएगा। आप जो है किसी एक से अपना ओटीपी जो है यहाँ पे टाइप कर देंगे और ओटीपी डालने के बाद जो है आपको सबमिट पे ओके करना होगा। और सबमिट पे ओके करते ही आपका जो है पासवर्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से यहाँ पे ऊपर वाले में जो पासवर्ड आपने सेट करेंगे दोबारा से कंफर्म पासवर्ड कर लेंगे यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे आप ओके करेंगे। सबमिट पे ओके करते ही हमारा जो है पासवर्ड रीसेट हो चुका है। अभी जो है मैं अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर लूंगा लेकिन उससे पहले मैं आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे ओके करता हूँ और यहाँ ओके करने के बाद आप जो है दोबारा से अपना प्रोग्राम जो है सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपका जो नाम है एडमिशन कराते समय जो नाम आपने दिया होगा सेम नाम आपको जो है डाल देना है और उसके बाद आपका जो एनरोलमेंट नंबर है उसको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है और उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे आपको ओके करना होगा। सबमिट पे ओके करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं
मेरा जो है पहले से मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है क्योंकि मैंने सब पहले ही इसका रजिस्ट्रेशन कर चुका था, लेकिन आप जब वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा जिसे आपको फिल करना होगा, और उसके बाद जिस प्रकार मैंने पासवर्ड रीसेट करा उस प्रकार से वहाँ पे भी आपको पासवर्ड ही बनाना है, और उसके बाद दोबारा से आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ जब आएंगे तो दोबारा से अपना एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद जो पासवर्ड आपने सेट करा है वो डालेंगे, और उसके बाद जो है इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे। वहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेन जो डैशबोर्ड है यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा सर्विसेस, ठीक है। यहाँ पे जो सर्विसेस का ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना होगा, और आगे कुछ बहुत सारा आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको सिंपली आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे एक आईडी कार्ड करके एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लिक हेयर पे ओके करना होगा, और उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको बोल रहा है नोट यूज योर एनरोलमेंट नंबर, मतलब यहाँ पे जब आप ओके करेंगे क्लिक हेयर टू डाउनलोड आईडी कार्ड, उसके बाद यहाँ पे जो है आपका एनरोलमेंट नंबर ही आपका पासवर्ड होगा। मैं यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अभी जो पासवर्ड जो होगा आपका एनरोलमेंट नंबर भी होगा, उसे आपको यहाँ पे डाल देना है, उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे ओके करना है, और सबमिट पे ओके करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो आईडी कार्ड है यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो इस प्रकार से जो है इग्नू का जो आईडी कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे, उसके बाद इसे जो है आप प्रिंट करा के आप अपने एग्जाम सेंटर में लेके जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बने रहे हमारे साथ अगले वीडियो के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।